नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनानियन एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के बारे में बात करेंगे। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 से संबंधित लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके हम इस वीडियो में जवाब देंगे। साथ ही सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है मंडल आवंटन में आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे संबंधित लगातार क्वेश्चन है 2016 का भी और 2018 सेकंड ग्रेड का भी, क्योंकि दोनों के मंडल आवंटन होने वाले हैं और 2018 के भर्ती पर रोक से संबंधित भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मंडल आवंटन। तो मंडल आवंटन होने के बाद जैसे ही आप मंडल आपको मिलेगा तो उसके तुरंत बाद आपको जॉइनिंग के लिए स्कूल के रिक्त पदों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ये एक एप्लीकेशन है श्राव एजुकेशन, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाकर आप इसको ये टाइप करके इसे इंस्टॉल करें और इसके अंदर आपको जो इसकी खाली पदों की पीडीएफ है वो नवीनतम पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडल आवंटन किस प्रकार होगा, क्या इसमें आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सर आपने पिछले वीडियो में बताया कि आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलेगा, जबकि इसका वास्तविक क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि मंडल आवंटन के टाइम आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो पिछली सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 में जिस प्रकार आरक्षण मिला था उस प्रकार आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इस बार जो आरक्षण मिलेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं जैसे कोई एक मंडल है जिसमें आपके 100 पोस्ट है, अर्थात 100 सीटें हैं जिन पर आपकी काउंसलिंग होनी है, उस पर आपका अलॉटमेंट होना है। तो अलॉटमेंट के टाइम उस पर आपके 50 पद जैसे जनरल के, तो जनरल के तो एक से लेकर 50 रैंक तक के, एक से लेकर 50 रैंक तक के अभ्यर्थी जो उसमें थे, जिन्होंने उनकी वरीयता भरी या उस मंडल को पहली प्रयोगिता दी, जिसकी 150 तक रैंक है, या इनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो दूसरी या तीसरी रैंक जो किसी अन्य मंडल को पहली प्रयोगिता दी। तो हम मान लेते हैं उस मंडल को प्रयोगिता देने वाले 150 टॉप रैंक के अभ्यर्थियों को वो मंडल आवंटित हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी हो। अब बात आती है कि SC ST OBC क्या होगा। तो OBC के लिए मान लेते हैं उस मंडल में 21 सीट है, कितनी सीट है, 21 है। तो 21 केवल उन अभ्यर्थियों को अब आवंटित नहीं होगा जो केवल OBC सेलेक्टेड, उन अभ्यर्थियों को आवंटित होगा जो जनरल से सेलेक्टेड है लेकिन उनकी कैटेगरी क्या है, OBC है, उनको अब आवंटित होगा और वो 21 सीट तक आवंटित होगा। अब इसमें जनरल सेलेक्टेड OBC यहाँ पर जो आवंटित होने लगेगा, हो सकता है कि वो जब पूरे हो जाएँ तो आपके OBC सेलेक्टेड भी स्टार्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार SC और ST में होगा। SC ST में मान लेते हैं SC में 5 सीट है, तो 5 सीट होगी तो उसमें आपके जो जनरल सेलेक्टेड SC अभ्यर्थी हैं उनको पहले उन 5 सीटों में नंबर आएगा, अगर वो अभ्यर्थी नहीं है तो SC की टॉप रैंक के अभ्यर्थी हैं उनको मंडल आवंटित होगा। इसी प्रकार सभी कैटेगरियों में मंडल आवंटित होगा। अगर कुछ अन्य जैसे विधवा कैटेगरी से हैं तो उनको उनको उस मंडल में अगर विधवा कैटेगरी की 2 सीट है तो उनमें विधवा कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उनमें मिल जाएगी। अगर किसी मंडल में कोई सीट किसी वर्ग कैटेगरी की विशेष की नहीं है तो आपको उस मंडल में आपको किसी प्रकार के आरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बात आती है कि ये जो पद हैं मंडल कैटेगरी वाइज ये कब आते हैं, तो ये जब आपकी वैकेंसी की अभ्यर्थना आती है किसके पास आती है, बीकानेर निदेशक के पास संयुक्त निदेशक के द्वारा आती है, अर्थात प्रत्येक संयुक्त निदेशक जो मंडल है उसके द्वारा बीकानेर निदेशालय के पास आती है। तब उसमें बताया जाता है कि कितनी पोस्ट है, किस किस सब्जेक्ट की, किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्ट है, उसी के अंदर आपको मंडल आवंटन होता है उसी आधार पर। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि क्या भर्ती पर रोक लगेगी। तो भर्ती पर रोक लगने से संबंधित आप ये महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और वाजिब मांग के तहत जा रहे हैं, और इसमें जो मांग है वो है कि आंसर की और मार्क बताएं। वैसे आपको बता देते हैं कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उससे थोड़े दिन पहले आंसर की और मार्क जरूर बताए जाएंगे, क्योंकि इनके भी अगर आपकी ज्वाइनिंग होने चलती है तो आपके रोक लगने पूरे चांस है। लेकिन RPC ऐसा नहीं करेगी, कुछ दिन पहले जैसे आपकी काउंसलिंग, आपकी यहाँ पर काउंसलिंग डेट है वो आपके 22 तारीख के बाद स्टार्ट है, काउंसलिंग का आयोजन है वो आपके 26 तारीख से है, तो 26 तारीख से पहले आप मान सकते हैं 20 तारीख के आसपास आंसर की और मार्क बता सकते हैं, जिससे कि जो अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ले लें उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। कोर्ट से इसको रोक लगने की थोड़ी कम ही संभावना लग रही है जहाँ तक मुझे विश्वास है, और हो सकता है अगर मार्क जारी ना हो तो इस पर रोक भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है कि आंसर की और मार्क बताए। जो कि पिछली भर्तियाँ हुई है उसमें आंसर की और मार्क बताने के बाद ही ज्वाइनिंग हुई है, तो आप इस पर भी थोड़ा ज़रूर ध्यान रखें,
जैसे ही आपकी काउंसलिंग होती है तुरंत बाद जब आपके नियुक्ति आदेश जारी होते हैं तो सबसे पहले काम आप ज्वाइनिंग का जरूर करें। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगा या अगला वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।